हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्ण। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो आज तो मार्केट में मतलब कोई ज्यादा खास मोमेंटम रहा नहीं। देखो दिन भर मतलब इसी तरह से रेंज में यहाँ पे रह गया था। हमने बात की थी यहाँ एक लेग की बना रखी है ट्रेंड लाइन, जो एक ट्राइंगल का पैटर्न टाइप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे 44,060 के आसपास तक का एक लेवल है। उसके बाद तो 44,150-55 तक का रेंज है, जिसपे मार्केट यहाँ पे एक बार रिजेक्शन ले सकता है। इसी जगह पर मतलब वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है। यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर बार बार यहाँ पे इस जगह पर टकरा रहा है। आज भी पिछले मॉर्निंग में टकरा रहा था, फिर निकला इसके ऊपर, तो वही 44,060 तक के आसपास के लेवल दिखा रहा है। पर इतना कोई मेजर अभी भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, ठीक है। अभी इसके बीच में वापस से यहाँ पे आया है, तो वही ध्यान रखने की बात है कि अगर जिस साइड भी डायरेक्शन पे ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा, तो काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है उसमें। पर ये वॉल्यूम वगैरह के साथ में चाहिए। मार्केट में कुछ अभी है ना, थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है। देखो अब जो मेजर सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं ना, वो अच्छे मतलब या तो गैप अप के साथ होता है, फिर गैप डाउन से होता है, तो मोमेंटम काफी अच्छा बन जाता है उसमें। आप जब भी देखेंगे कोई बड़े लेवल टूटते हैं या फिर निकलते हैं उसके मतलब ऊपर की साइड नीचे की साइड, तो गैप अप या गैप डाउन के साथ ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उस टाइम निकलने की उनकी ऐसे में। क्योंकि आज भी देखो निकल रहा था पर सस्टेन नहीं कर रहा था ज्यादा, मतलब उसी में ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा था यहाँ पे। बाकी आज आईटी भी ऐसे वीक था, तो आईटी निफ्टी भी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। कल आईटी को निफ्टी में स्ट्रेंथ आ गई थी। तो आज बैंकिंग में भी थोड़ा ठंडा चल रहा है मार्केट। और डाउन साइड में ये वाला लेवल है अभी यहाँ पे 43,741 के आसपास पे मेन लेवल है। बाकी 44,000 के ऊपर अभी बार बार दिक्कत कर रहा है यहाँ पे टिकने में, बस उस चीज का ध्यान रखिए। इसके बीच में जितना भी अच्छा सा मोमेंटम देगा, काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है वहाँ पे। ये लेवल है, हमने कल जो बात करी थी उसके ऊपर वो 44,150 तक के लेवल वाले, ये वाले तो वाले लेवल हो जाएंगे। डाउन साइड में ये वाला लेवल है, यहाँ से ये लो ब्रेक करेगा 43,850 का, तो नेक्स्ट टारगेट 43,741 तक के, ये टारगेट है इसी के तक के। थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं ये यहाँ तक, ठीक है। 43,708 तक के यहाँ पे टारगेट मिल जाएंगे, 850 से अगर ब्रेक करता है तो। इसके बाद उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे 43,537 तक, ये टारगेट अभी यहाँ पे। अब एक दो दिन में एक्सपायरी आने वाली परसों, तो उसके बाद देखते हैं ये मंथली एक्सपायरी, तो उसमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है एक दिन में, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपेयर रहिएगा मोमेंटम के लिए। और FII DII का डेटा देखते हैं एक बार, तो FII वगैरह का यहाँ पे क्या है, दोनों ने बाइंग करी है। FII ने 182 करोड़ की बाइंग करी है और DII ने 397 करोड़ की बाइंग करी है। तो दोनों को डेटा मतलब प्लस में ही है, पर क्वांटिटी थोड़ी सी बहुत कंट्रोल में आ गई। जहाँ ये 2,000-2,500 तक की क्वांटिटी में बाइंग कर रहे थे, अभी थोड़ा सा कंट्रोल में है, तो उसी को फोकस में रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।